हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एडर्स क्लब। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 6, जहां पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैंडल के बारे में जो सिंगल कैंडल है, एट द सेम टाइम रिलायबल है, और अगर इस कैंडल को आपने प्रॉपरली सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया तो एक बड़े ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हैंगिंग मैन कैंडल की। वैसे तो हैंगिंग मैन कैंडल और हैमर देखने में लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों ही कैंडल्स के अंदर में स्मॉल बॉडीज होती हैं एंड एट द सेम टाइम आपको लॉन्ग शेडो देखने को मिलते हैं। ये शेडो अगर 2 और 3 टाइम्स हो तो बहुत बढ़िया है। साथ में कभी कभी यहाँ पे ऊपर जो वीक्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। एक कंडीशन वही है कि अगर वीक्स ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है तो ये वीक्स जितना छोटा हो उतनी अच्छी बात है। नॉर्मली ट्रेडर्स डू गेट कंफ्यूज अबाउट इट कि अगर हैंगिंग मैन और हैमर आइडेंटिकल बॉडी है, सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सो हम हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं, हम हैमर क्यों बोलते हैं, हम दोनों को सेम ही क्यों ना बोलते हैं। सो यहाँ पे दो बेसिक आपको डिफरेंस जो है वो समझने पड़ेंगे। पहला डिफरेंस पोजीशन में है। पोजीशन जब हम हैमर की बात करते हैं तो हैमर बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब हम हैंगिंग मैन की बात करते हैं तो हैंगिंग मैन आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। ये एक बेसिक डिफरेंस आया। सेकेंड डिफरेंस, जब भी हम हैमर के बारे में बात करते हैं, हैमर आपको पिछली बॉडी के अंदर भी बनता हुआ नजर आ सकता है। हैमर इफेक्टिव होता है अगर रेड कलर के कैंडल का हो, और अगर वो पिछली बॉडी में भी बनता हुआ नजर आए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस उसका कम नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की, तो हैंगिंग मैन आइडियली ये माना जाता है कि जो प्रीवियस कैंडल है उस कैंडल के टॉप के आसपास में उसकी ओपनिंग होते हुए नजर आए। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है बहुत बढ़िया है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है आपको नजर रखनी पड़ेगी ओपनिंग के ऊपर में हैंगिंग मैन के। हैंगिंग मैन का एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या है, ध्यान से समझिएगा इसे, और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया बैटिंग कर रही है और कोई एक प्लेयर जो अच्छे से शॉट लगा रहा है, रन रेट अच्छे से मूव कर रहा है, इंडियन फैंस जितने भी होंगे वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होगा कि ये पर्टिकुलर बैट्समैन आउट हो जाना चाहिए। जितना जल्दी आउट होगा रन रेट उतना जल्दी कंट्रोल में आएगा, और हो सकता है उसके बाद वाले बैट्समैन उतना टिक के ना खेलें, जिसकी वजह से हो सकता है टोटल स्कोर भी कंट्रोल में आ जाए। सेम साइकोलॉजी आपको हैंगिंग मैन में भी देखने को मिलेगी। हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड पे बनता हुआ नजर आता है, बढ़िया मूवमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर में। उस समय आपको मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर देखने को मिलते हैं। एक जिन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया है और उस रैली के अंदर में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि इतनी बढ़िया जो रैली थी वो रैली मुझसे मिस हो गई है, हल्का सा अगर कहीं डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाए या हल्का सा मार्केट करेक्ट हो जाए तो मैं इसमें एंट्री कर लेता हूँ। एंड थर्ड, ऐसे जो ये इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट में अच्छी खासी रैली हो गई है, ऊपर के लेवल से मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं। एक बढ़िया रैली के बाद में अचानक से एक दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है और उसके बाद में कुछ देर तक उन्हीं लेवल्स के आसपास में काम कर रहा है। इतना देर काम करने के बाद में जिन्होंने एंट्री ऑलरेडी मार्केट में ले रखी है वो ये सोचते हैं कि शायद ये प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया है। वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने शुरू करते हैं, रेड कैंडल नज़र आता है, और वहाँ से फिर आपके जो शॉर्ट सेलर होते हैं, या आप ऐसा बोल लीजिए वहाँ से जो मार्केट को गिरने का इंतजार करते हैं, वहाँ से एंट्री लेते हुए नज़र आते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो रेड कैंडल में कन्वर्ट होती है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर जाए और मैं यहाँ पे एंट्री करूँ, और वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। सो रिजल्ट, जो रेड कैंडल था वो अब बेसिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, यानी ओपनिंग आपकी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हुई थी, फोर्स आया ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग का, मार्केट नीचे की तरफ गया, एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही बाइंग प्रेशर बनते हुए नजर आए मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। इसकी वजह से आपको एक लॉन्ग शेडो देखने को मिला और आपकी बॉडी जो है कैंडल की वो छोटी होती हुई नजर आई है। तो ये सेम साइकोलॉजी हमें हैमर में भी देखने को मिलता है। तो हैमर में और इसमें, क्योंकि जब हम हैमर की बात करते हैं तो हैमर में बेसिकली आपको हम ये बोलते हैं कि ये तो एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, यहाँ से बुलिश हो जाएगा, मार्केट ऊपर ट्रेंड पे जा सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है? रीजन, जब प्रेशर, बाइंग प्रेशर आता है, वो बाइंग प्रेशर ओपनिंग के नीचे तक रहे, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर कैंडल में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में जो बाइंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर से कम था। जो मार्केट इतना अच्छा ग्रीन बॉडी बना रहा था, इतना अच्छा अप ट्रेंड कर रहा था, एक जो होप की बात करते हैं, एक होप वहाँ पर क्रिएट होता है कि यहाँ से जो सेलर्स हैं, यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग है इस पर्टिकुलर कैंडल से आना शुरू हो चुका है,
जिसके चलते हुए आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर में, यानी ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक और क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है जब हम हैंगिंग मैन की बात करते हैं या हैमर की बात करते हैं, सो कलर्स के बारे में, कि ग्रीन कैंडल होगा तो अच्छा होगा कि रेड कैंडल होगा तो अच्छा होगा। हैमर के वीडियो में हमने क्लियर कट बताया था कि अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला तो हैमर अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हैंगिंग मैन की बात करते हैं तो हैंगिंग मैन में आपको रेड कैंडल चाहिए। अगर रेड कैंडल बनता है तो उस हैंगिंग मैन को कंसिडर किया जा सकता है। रीजन, जो सेलिंग प्रेशर आया था वो अभी भी ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, बिकॉज ऑफ दैट जो रिवर्स हो रहा था मार्केट उस टाइम पे, जो बॉडी का टॉप बना था, जो उस बॉडी का ओपनिंग प्राइस का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, यानी अभी भी इस पर्टिकुलर डे के अंदर, इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर में आपके जो सेलर्स थे वो हावी होते हुए नजर आए हुए हैं। तो क्या रेड कलर का कैंडल दिख जाए, रेड कलर का हैंगिंग मैन एक ट्रेंड के अंदर में हमें दिख जाए, सो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? मैं एग्जैक्टली बोलूँगा अभी भी नहीं, थोड़ा सा वेट करना है आपको, क्योंकि आज यानी इस पर्टिकुलर डे के अंदर में ये कैंडल आपको हैंगिंग मैन बना है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है? क्या नेक्स्ट डे आपका जो कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है वो हैंगिंग मैन के टॉप को ब्रेक करता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, और ये कंफर्मेशन आपको कब तब मिलेगा जब नेक्स्ट डे भी एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आता है। आपको रेड कैंडल बन रहा है नेक्स्ट डे, गो फॉर इट। अगर नेक्स्ट डे रेड कैंडल नहीं बन रहा है तो इस हैंगिंग मैन को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए सिंपल स्टेप इसके अंदर में समझ लीजिए, आपका स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का टॉप होगा, एक दो तीन पॉइंट ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ पे अगर आप छोड़ के स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। एंट्री कहाँ लेनी है आपको? एंट्री बेसिकली आपको हैंगिंग मैन के बॉडी के अंदर लेनी हुई है। शेडो के अंदर अगर मिल जाता है फिर भी एक बार इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन आप जितना नज़दीक हैंगिंग मैन के टॉप के जितना नज़दीक में आप अपना ट्रेड इन एग्जीक्यूट करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा, उतना ज़्यादा आपका लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरे दिन जो रेड बॉडी बनी है उस रेड बॉडी के अंदर में भी अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप थर्ड डे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस रेड बॉडी के अंदर में भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं टारगेट के बारे में। जब भी मार्केट में फॉल आता है तो फॉल सडन होता है, और जो फॉल होता है वो फॉल बड़ा होता है। सो अब जब हैंगिंग मैन के अंदर में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस है कि आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। सो टारगेट क्या रख सकते हैं? आप दो तरीके से टारगेट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या टारगेट आप टारगेट कर सकते हैं। पहला, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था उस समय 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में मार्केट ने बेस कहाँ बनाया था, आप उसे एक टारगेट रख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप उस रैली को देख रहे हैं तो उस रैली के 30 से 35% को आप एक बार टारगेट के रूप में रख सकते हैं। मैं बेसिकली प्रिफर करता हूँ कि जो सपोर्ट था, जो सपोर्ट को ब्रेक करके वो रैली देखने को मिली थी, उस सपोर्ट को मैं एक बार टारगेट बना लूँ। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जानते हैं तो बढ़िया बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा हुआ है, आप उस वीडियो पर क्लिक करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख सकते हैं। सो हैंगिंग मैन आइडेंटिफाई करना ईजी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट क्या रखना चाहिए और एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। हैमर हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि कैंडल स्टिक्स का बेसिक क्या होता है। सेकेंड एपिसोड में हमने बात किया था डोजी के बारे में। थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड के अंदर में हमने बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। फिफ्थ, जो कि लास्ट एपिसोड था, हमने बात किया था हैमर के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया हुआ है हैंगिंग मैन के बारे में। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस अराउंड हैंगिंग मैन आल्सो। एक कलर के बारे में था जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर रेड है तो बेहतर है, वो ज़्यादा चांसेस होता है सक्सेसफुल होने का। सेकेंड क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है वो आप कौन से टाइम फ्रेम को देखना पसंद करते हैं इसके अंदर में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको 5 मिनट्स और 15 मिनट्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप डेली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, ना कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने चाहिए। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पर्टिकुलर कैंडल का पैटर्न हमें किसी और चार्ट पे देखने को मिल सकता है क्या, जैसे हैके नशी भी है जो ऑलमोस्ट कैंडल के जैसा दिखता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये पर्टिकुलर कैंडल सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ही देखने को मिलेंगे। आप अगर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं तो ही हैमर को या हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए।
एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है कि क्या हैंगिंग मैन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे के कैंडल को देख के कंफर्मेशन कर लिया जाए क्या? आंसर टू दिस इज नो। अगर आप नेक्स्ट डे के कैंडल को देख के सिर्फ कंफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके अंदर में, बट देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप उसे ऐड कर लेते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपको सही सिग्नल मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक्स के बारे में। अगर हैंगिंग मैन बन रहा है, रेड नेक्स्ट डे कैंडल जो है वो रेड बन रहा है, और आपका स्टोकेस्टिक्स जो है वो ओवरब्रॉट कंडीशन में है, तो पूरा चांसेस बनता है, या मैं ऐसा बोलूँ 80-90% चांसेस बनता है कि ये हैंगिंग मैन काम करेगा और एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो एक कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट साथ में एक इंडिकेटर ऐड कर लीजिए स्टोकेस्टिक्स इसके साथ में, और आपको चांसेस जो है यहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगे, चांसेस जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। एक जो बेसिक डिफरेंस हैमर और कैंडल, हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये जो वीडियो हमने डिस्कस किया इसके अंदर में आपको डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ गया रहेगा, और जो पैरामीटर्स थे वो पैरामीटर्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गया रहेंगे। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनदर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।